तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा प्रिंट पोर्टल जो आपको टोटल 12 सर्विस देता है। वो सर्विस क्या है सबसे पहले आपको बता दें, जैसे आप अपना आधार प्रिंट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है। इसके बाद अगर पैन कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो पैन कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर अपना वोटर आई डी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो वोटर आई डी कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है टोटल 12 सर्विस दिए गए हैं। लेकिन आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तभी जो है आपको समझ में आएगा ये जो प्रिंट पोर्टल है कैसे काम करता है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इनसे पहले है गाइज, मैं आशी और स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज आपको बता दें ये जो प्रिंट पोर्टल है बहुत आसान है और किस तरह से काम करता है, चलिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर चलते हैं, वहाँ पर आपको बताएंगे ये जो प्रिंट पोर्टल है कैसे आपको लॉगिन करना है, कहाँ से आपको लॉगिन करना है और किस प्रकार जो है इसमें काम किए जाते हैं, वो पूरी जानकारी जो है आपको मिलने वाला है। तो गाइज हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप अपने मोबाइल से भी प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र में। सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा HD प्रिंट पोर्टल, कुछ इस प्रकार से आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद गाइज आपको इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करते ही कुछ इस प्रकार से पेज जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिख जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं HD प्रिंट पोर्टल, ठीक है। इसके नीचे आपको दिख जाएगा वेलकम टू HD प्रिंट पोर्टल। गाइज आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो गाइज सबसे पहले आपको बता दें प्रिंट पोर्टल जो है लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। तो गाइज सबसे पहले आपको बता दें रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऊपर में दिख जाएगा सेलेक्ट यूज़र टाइप, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो चार ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है रिटेलर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं प्लीज फुल नेम, यहाँ पर जो भी आपको नाम रखना है रख सकते हैं। चलिए हम कुछ इस प्रकार से नाम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आप कौन सा राज्य से हैं तो यहाँ पर आपको राज्य को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को डाल देना है, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार से हम मोबाइल नंबर को डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है जो आपके पास चालू हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम ईमेल आईडी को डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद गाइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा रजिस्टर का ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर लॉगिन नेम यानी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है यहाँ पर दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम HD प्रिंट पोर्टल जो है लॉगिन करके देखते हैं। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना होगा होम का पेज, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लॉगिन का ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका यूज़र आईडी है यहाँ पर यूज़र आईडी को डाल देना है। इसके बाद जो आपका पासवर्ड होगा पासवर्ड को भी यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये जो HD प्रिंट पोर्टल है यहाँ पर ओपन हो गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा सर्विस यहाँ पर जो है दिया गया है। तो गाइस जैसे ही आपका जो प्रोफाइल है लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में आपको दिख जाएगा आधार एडवांस, ठीक है। यहाँ जो है आप क्लिक करके अपना आधार नंबर है उससे आप अपना आधार को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिख जाएगा आधार मैनुअल, यहाँ पर क्या है अगर आपके पास आधार नंबर है इसके बाद जो है आपका बायोमेट्रिक काम नहीं करता है तो अपना आधार नंबर इसके बाद नाम डालकर गार्जियन नेम डालकर एड्रेस एरिया पिन कोड नंबर डाल के यहाँ से जो है आप आधार को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा राशन PDF, यहाँ से आप राशन कार्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं अपना आधार नंबर डाल के या फिर राशन नंबर डाल के, ठीक है। इसके बाद आपको दिख जाएगा आधार सॉरी एडवांस वोटर आईडी कार्ड, यहाँ जो है EPIC नंबर डाल के यहाँ से आप
वोटर आईडी कार्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिख जाएगा पैन कार्ड, यहाँ से पैन कार्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर टोटल 12 सर्विस दिए गए हैं, यहाँ से आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो गाइस मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें, और इसी तरह के न्यू अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।